अमरकंटक। यह हिंदुओं का पवित्र स्थान है। मेकाल की पहाड़ियों में स्थित अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले का लोकप्रिय हिंदू तीर्थ स्थल है। अमरकंटक नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी का उद्गम स्थान है। सभी मौसम में पर्यटक आते रहते हैं, लेकिन यहाँ आने का सबसे अच्छा समय जून से नवंबर तक का माना जाता है। नर्मदा नदी मेकाल पर्वत के अमरकंटक शिखर से निकलती है। नर्मदा नदी उल्टा बहने वाली नदी है। इस नदी का बहाव पूर्व से पश्चिम की ओर होता है। नर्मदा कुंड नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है, जो 16 प्राचीन पत्थर के मंदिरों जैसे नर्मदा मंदिर, भगवान शिव मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, गुरु गोरखनाथ मंदिर, श्री राम जानकी मंदिर और श्री राधा कृष्ण मंदिर से घिरा हुआ है। यह कर्ण मंदिर है। यह 3 गर्भ वाला मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। अमरकंटक अपने खूबसूरत झरने, पवित्र नदियाँ, ऊंची ऊंची पहाड़ियों और शांत वातावरण से अमरकंटक में घूमने की बहुत सी जगहें हैं, तो यहाँ आप आकर के घूम सकते हैं। यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य का सैलानी भरपूर आनंद लेते हैं और देखते हैं कि प्रकृति वास्तव में कितनी सुंदर है। यहाँ से दिखने वाले दृश्य वाकई दिल को छू लेते हैं। यहाँ की मंदिरें बहुत ही प्राचीन हैं और मंदिरों में जो कलाकृतियाँ हैं बहुत ही सुंदर और देखते ही बनती है। अमरकंटक में घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं जो कि दूर दूर है, तो एक दिन पूरा घूमने में लग जाता है। तो आप जब भी कभी अमरकंटक घूमने आए तो एक दिन घूमने के लिए रखें। श्री यंत्र मंदिर। इस मंदिर की सबसे प्रमुख विशेषता प्रवेश द्वार पर 4 सिर वाली विशाल मूर्ति है। यह चेहरे प्रमुख देवी लक्ष्मी, सरस्वती, काली और भुवनेश्वरी का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके नीचे भगवान गणेश और कार्तिक की मूर्तियों के साथ 64 योनियों की मूर्तियां हैं। मंदिर को श्री यंत्र श्री चक्र के 3D प्रक्षेपण के रूप में बनाया गया है, जो हिंदू धर्म में भी श्री विद्या की पूजा का मुख्य आधार है। यह शाखा देवी त्रिपुरी सुंदरी की दिव्य शक्ति या तीनों लोकों की महारानी सुंदरता की पूजा करती है। संक्षेप में यह शक्ति की अवधारणा का जो ज्यामिति प्रतिनिधित्व है। श्री सर्वोदय दिगंबर जैन मंदिर में प्रथम तीर्थकर परम आराध्य 1008 भगवान श्री आदिनाथ की अद्वितीय मनोज्ञ विशाल विश्व में सर्वाधिक वजनी 24 टन अष्टधातु की प्रतिमा को 28 टन अष्टधातु की कमल पर विराजित किया गया है। यह मंदिर राष्ट्र और विश्व में स्वर्ण मंडित है। प्रतिमा ज्ञान वरिधि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज तथा सत्संग 44 निर्गंध शिष्य मुनिगणों के सानिध्य में गुरुवार 6 नवंबर 2006 को शुभ मुहूर्त में विराजित किया गया था। भव्य कलात्मक आदित्य मंदिर का निर्माण गुड़, चूना और राजस्थान के पषाण का उपयोग किया जा रहा है। भव्य कलात्मक आदित्य मंदिर का निर्माण गुड़, चूना और राजस्थान के पषाण का उपयोग कर किया जा रहा है। इस मंदिर के निर्माण में लोहा सीमेंट का उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है। यहाँ का जैन मंदिर बहुत ही भव्य तरीके से बनाया जा रहा है और अभी निर्माणाधीन है। इसकी दीवारें, इसकी छत सभी उत्कृष्ट कलाकृतियों से घेरा गया है। जब भी आप अमरकंटक आएँ तो यहाँ ज़रूर आइए और
और देखिए कितना विशाल, कितना सुंदर, कितना मनोरम दृश्य है यहाँ का। अमरकंटक में घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं और सभी दूरस्थ दूरस्थ जगह हैं, तो आप यहाँ घूमने के लिए पूरा एक दिन का समय दें और सुबह से शाम तक पूरा घूमने में लग जाता है। तो यहाँ आप ज़रूर आएँ और यहाँ के प्रकृति का आनंद लें, और यहाँ की प्रकृति आपके दिल को छू लेगी, मोह लेगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और मेरे इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो थैंक यू।